7:10 पे जो जमीन 2 करोड़ में बिकती है, 7:15 पे उसी जमीन को लोगों के चंदे से 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर। तो भाजपा वालों को इन करोड़ों के घोटाले में कितना हिस्सा मिला है उनको बताना चाहिए। ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और घपला देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए, चंदे में चोरी की, आस्था में चोरी की। ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। जहाँ पर ये जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीने हैं वो आज भी 1.50 करोड़ और 2 करोड़ में मिल रही है। भाजपा के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने इस ट्रस्ट के नाम पे चंदा वसूला था, करोड़ों का चंदा पूरे देश से वसूला है। और वो जो उसमें सब लिखा पड़ी में है पूरा, उन्होंने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम बैनामा किया 18 मार्च 2021 7:05 पर। इसमें सब लिखा पड़ी में है, सब लिखा पड़ी में है, बैनामा हुआ। और बैनामा करने के 10 मिनट बाद, 8 मिनट बाद, 7:15 पर, 16 मिनट पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट को करते हैं सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी 18.5 करोड़ रुपए में। 18.5 करोड़ रुपए में से 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। तो मेरा सवाल यही है, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन को 5-7 मिनट पहले 2 करोड़ रुपया में खरीदा गया, ट्रस्टी इसमें गवाही थे, ऐसा कौन सा अचानक मामला आ गया, जमीन कौन सा सोना देने लगी, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि 2 करोड़ की जमीन को 5-7 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और ट्रस्टी साहब दोबारा उसके गवाही हैं, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाही हैं, और इसका सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मेरे पास है। ये रजिस्टर एग्रीमेंट, बैनामा सब आपके सामने साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं, और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर यह जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी 1.50 करोड़ और 2 करोड़ में मिल रही है। ऐसा नहीं कि कोई वहां मूल भाव बढ़ गया, आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। यह आपको जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, जाइए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए, और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति। भारतीय जनता पार्टी का मेयर इसमें शामिल था, आपने कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया आप सामने आके बताइए। जो बात एक अपनी सफाई में चंपत राय जी ने कही वो बड़ी हास्यास्पद है। उसमें उन्होंने कहा ये जमीन महंगी है और ये जमीन कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जब खरीदा था अंसारी जी ने और तिवारी जी ने, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने, उस वक्त रजिस्टर्ड अनुबंध बहुत पहले कर लिया था तो दाम सस्ते रहे होंगे, बाद में हमें महंगा हो गया। अब ये झूठ कितना बड़ा है यही बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। जब ये बैनामा हुआ तो इसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं, किन परिस्थितियों में वो जमीन आप खरीद रहे हैं। और ये हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने जो बैनामा किया है, रजिस्टर्ड बैनामा जो किया है सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को, उसमें साफ तौर पे लिखा है ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है। ये जमीन सारे भारों और प्रभारों से मुक्त है, इसका मतलब
न पूर्व में इसका कोई एग्रीमेंट हुआ है, न कोई पेशगी ली गई है, न कोई पैसा लिया गया है। अगर हरीश पाठक और अंसारी के बीच में, अगर कुसुम पाठक और तिवारी के बीच में कोई एग्रीमेंट पहले हुआ होता तो इस बैनामे में उसका जिक्र जरूर होता। एक सच को छिपाने के लिए हजार झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए चंपत राय जी, आपका घोटाला और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ गया है। आप कह रहे हो वहाँ जमीन महंगी है, अरे भाई सरकारी रेट भी अगर आप मान लें जो आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा तय किया जाता है तो वो भी 5,80,00,000 है, और बैनामे के समय में 2,00,00,000 में ये जमीन खरीदी गई। ये बात किसी और को नहीं पता थी, आपके सदस्य को पता थी, अनिल मिश्रा जी को, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय को पता थी, वो वहीं पे मौजूद थे। जब आपके ट्रस्ट के एक मेंबर और भाजपा के नेता को ये पता था कि ये 2,00,00,000 में जमीन खरीदी गई तो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ का घोटाला और भ्रष्टाचार क्यों किया गया?